राइट टू हेल्थ बिल को वापस लेने की मांग को लेकर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल से कलेक्ट्रेट सर्किल तक निकाला कैंडल मार्च। राइट टू हेल्थ बिल को वापस लेने की मांग को लेकर चुरू जिला मुख्यालय पर शुक्रवार शाम को चिकित्सकों ने राजकीय भरतिया जिला अस्पताल से कलेक्ट्रेट सर्किल तक कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान कलेक्ट्रेट सर्किल पर चिकित्सकों ने नारेबाजी कर अपना आक्रोश भी जताया। प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों ने 27 मार्च को जयपुर में महापड़ाव की चेतावनी भी दी है। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर बीएल नायक ने बताया कि चिकित्सकों का आंदोलन विधानसभा में बिल पेश होने से पहले से चल रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा चिकित्सकों की मांग को अनदेखा करते हुए इस बिल को पास कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस बिल के विरोध में तमाम मेडिकल से जुड़े संगठन लामबंद हो चुके हैं। अभी सरकारी अस्पताल में चिकित्सक 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन यदि सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राइट टू हेल्थ बिल को वापस लेने की मांग को लेकर 27 मार्च को जयपुर में तमाम चिकित्सकों के द्वारा महापड़ाव दिया जाएगा। तो वो भविष्य में उनको पता लग जाएगा। और 6 दिन से हम आंदोलनरत हैं, बिल को पास कर दिया। हमारी चूरू की, हमारे स्टेट के निर्देश पर चूरू की जितनी भी यूनियन है डॉक्टर्स की, चाहे आईएमए हो, चाहे उपचार हो, और उन सबको मिला के हमने एक चूरू मेडिकल एसोसिएशन बनाई है, जिसमें चूरू का हर डॉक्टर उसमें शामिल है। और उस ऐसी ताकतवर यूनियन बना ली हमने चूरू लेवल पर कि उसका आज कैंडल मार्च है। और उस कैंडल मार्च में हमने ये कहा है कि जो सरकार ने बिल पारित किया है विधानसभा में, उसको वापिस ले, उसको निरस्त करे। जैसे कृषि कानूनों को वापिस लिया था और उनको निरस्त किया था, वैसे ही इस कानून को भी वापिस ले। क्योंकि सरकार को ये अंदेशा होना चाहिए कि सरकार की 2 महत्वपूर्ण, जिस पर वो नाच करती है कि हमने चिरंजीवी योजना लागू की है, हमने आरजीएचएस योजना चालू की है, उस 2 योजनाओं को पास करने में हम कभी भी उस योजना को फेल कर सकते हैं। इसलिए सरकार को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। सरकार की 2 योजना हमारे कब्जे में है और उस योजना को हम तभी अपने दिल से अपनाएंगे जब सरकार हमारी मांग को मान लेगी, वरना तो ये आंदोलन जारी रहेगा। और 27 तारीख को हमारा महापड़ाव है जयपुर में, और सारे डॉक्टर, अब डॉक्टर्स गवर्नमेंट प्राइवेट का डिफरेंस खत्म हो गया है। हम सिर्फ एक प्रोटोकॉल के तहत सरकारी डॉक्टर एक मतलब खुल के ज़्यादा सामने 2 घंटे का बहिष्कार करें। आने वाले टाइम में हम भी इनके इतना साथ देंगे कि सरकार को पता लग जाएगा कि आरटीएच बिल को मजबूरन वापस लेना ही पड़ेगा। धन्यवाद।